स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं मायापुरी रीजनल, जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पंजाबी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा यानी कि पूरी इंडियन सिनेमा की सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से पता चला है कि एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े की ओर से स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी ने शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने की योजना बनाई थी। एफआईआर के मुताबिक केपी गोसावी ने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची थी, लेकिन बाद में डील 18 करोड़ रुपए में फाइनल हुई थी। एफआईआर में यह भी दर्ज हुआ है कि गोसावी ने 50 लाख रुपए की टोकन राशि लेकर पैसों का एक हिस्सा वापस दे दिया था। तमिल फिल्म फरहाना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म में ऐश्वर्या राजेश ने एक मुस्लिम महिला फरहाना का किरदार निभाया है। मुस्लिम संगठन इस फिल्म के विरोध में उतर आए हैं और इस कारण एक्ट्रेस की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। पुलिस ने विवाद बढ़ता देख ऐश्वर्या की सुरक्षा बढ़ा दी है। रिसेंटली उनके घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बाहुबली स्टार प्रभास को एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन्स पर विशाल और लार्जर देन लाइफ फिल्म में देखने के लिए तरस रहे दर्शकों की उम्मीद हो सकता है सलार से पूरी हो। केजीएफ निर्देशक प्रशांत नील इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, ऐसे में उम्मीद और कई गुना बढ़ जाती है। हाल ही में खबर मिली थी कि फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव हो सकता है। अब ये खबरें आग की तरह फैलनी शुरू ही हुई थी कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि फिल्म की रिलीज डेट नहीं बदलने वाली। कहा जा रहा है कि फिल्म अपने तय वक्त 28 सितंबर के दिन ही थिएटर्स पहुंचेगी। एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं। द केरला स्टोरी की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। भारी विरोध के बावजूद फिल्म को अच्छे आंकड़ों के साथ ओपनिंग मिली और ये सिलसिला अब तक कायम है। हालांकि अदा को शायद अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि ऐसी सफलता के लिए उन्हें ओम शांति ओम के शाहरुख खान की तरह फिर से जन्म लेना पड़ेगा। साउथ सुपरस्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना इन दिनों अपने आने वाले बच्चे की तैयारियों में बिजी हैं। ये स्टार कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है। अब हाल ही में रामचरण की पत्नी उपासना कमीनेनी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी शादी के बाद शुरुआती दिनों में ही एक्स फ्रीज करवा लिए थे। उपासना ने आगे कहा कि उन्हें अपने एक्स स्टोर करने के प्रोसेस पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने इसे कई वजहों के चलते शुरुआत में ही करवा लिया था। दिलजीत दोसांझ और निमृत खेरा की पंजाबी फिल्म जोड़ी को रिलीज हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसने थिएटर्स में काफ़ी धूम मचा दी है। वहीं अब दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर एक नई वीडियो शेयर की है जहां वो और निमृत खेरा साथ में टेबल टेनिस खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस को दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद आ रही है। एक्टर शहनाज गिल इस वक्त थाईलैंड में वेकेशन मना रही हैं, जहां से कुछ समय निकाल कर अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन पिक्चर्स में शहनाज एक क्यूट रेड ड्रेस में बीच पर काफ़ी मज़े करती दिख रही हैं और एक्ट्रेस की इन पिक्चर्स की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आजकल विक्रांत के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। सेट से अक्सर एक्ट्रेस मज़ेदार वीडियो शेयर करती रहती थी, लेकिन अब फिल्म का शूट खत्म हो चुका है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम के जरिए फिल्म के रैपअप की डिटेल शेयर करके फिल्म की पूरी टीम का धन्यवाद किया है। आज मायापुरी रीजनल में बस इतना ही। आगे के सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।